दोस्तों आज के प्लान का साइज है 15 फीट x 30 फीट। ये 50 गज में बना हुआ है। इसका स्क्वायर फीट है 450 स्क्वायर फीट और इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 5 लाख पर यूनिट। ये फ्रंट साइड में रोड है। फ्रंट का डायमेंशन है 15 फीट, इस साइड का डायमेंशन है 30 फीट, इस साइड का बैक का डायमेंशन है 15 फीट और इस साइड का डायमेंशन है 30 फीट। दोस्तों ये टोटल ग्राउंड टू टॉप फ्लोर का प्लान है। इस प्लान में दोस्तों सभी वाल 5 इंच के दिए गए हैं। ये 5 इंच है। दोस्तों हम लोग इस प्लान में सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का डायमेंशन करेंगे और इसके बाद इस प्लान का 3D व्यू देखेंगे। ये 15 फीट x 30 फीट का बहुत ही अच्छा प्लान है। दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान से। इस प्लान में 3 साइड में अदर प्लॉट बना हुआ है। इस साइड भी अदर प्लॉट बना हुआ है, बैक साइड भी अदर प्लॉट बना हुआ है और इस साइड भी अदर प्लॉट बना हुआ है। इसलिए दोस्तों हम लोग इस साइड और इस साइड और इस साइड बैक साइड हम लोग कोई भी डोर और विंडो नहीं देंगे, सिर्फ इस रोड साइड में डोर और विंडो लगेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस ग्राउंड फ्लोर में स्टेयर वाले एरिया से। ये फ्रंट साइड में रोड है, यहाँ पर मेन गेट दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर के लिए एक मेन गेट यहाँ पर दिया गया है और अपर और ग्राउंड फ्लोर दोनों के लिए एक मेन गेट यहाँ पे दिया गया है। हम लोग इस मेन गेट से जब इन करेंगे तो ये स्टेयर एरिया आ जाएगा। इसका डायमेंशन है 12 फीट 6 इंच x 6 फीट। इस साइड का डायमेंशन 12 फीट 6 इंच और इस साइड का डायमेंशन 6 फीट। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है लैंडिंग का 3 फीट का, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 3 फीट का। ये डोर है ग्राउंड फ्लोर में जाने के लिए और ये डोर भी ग्राउंड फ्लोर में जाने के लिए ही है। दोस्तों इस स्टेयर से यहाँ से अप होंगे, यहाँ फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा 8 फीट हाइट पे और इसी लैंडिंग के नीचे में यहाँ पे मेन गेट दिया हुआ है। फिर और अप होंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ पे मेन गेट है, इस मेन गेट से जब इन करेंगे ग्राउंड फ्लोर में तो ये सबसे पहले गेस्ट रूम आ जाएगा जिसका डायमेंशन है 10 फीट x 7 फीट 9 इंच। इस साइड का डायमेंशन 10 फीट और इस साइड का डायमेंशन 7 फीट 9 इंच। इस गेस्ट रूम में यहाँ पे बेड लगा हुआ है, यहाँ सेंटर टेबल लगा हुआ है, एक चेयर इधर दिया गया है सिंगल और एक सिंगल चेयर इधर दिया गया है। ये डोर है बाहर से अंदर आने जाने के लिए और ये डोर है स्टेयर साइड में जाने के लिए और ये डोर है डाइनिंग स्पेस साइड में जाने के लिए अंदर में। यहाँ पे टीवी लगा हुआ है और यहाँ पे एक विंडो दिया गया है इस गेस्ट रूम में। हम लोग अंदर चलते हैं। ये डाइनिंग स्पेस है जिसका डायमेंशन है इस साइड का 8 फीट 4 इंच और इस साइड का 9 फीट 9 इंच। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 6 फीट का, एक डायमेंशन इस साइड में दिया गया है किचन का 10 फीट 11 इंच का और एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 4 फीट का। इस किचन में यहाँ पे किचन सिंक लगा हुआ है, यहाँ गैस स्टोव रखा हुआ है और यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। इस डाइनिंग स्पेस में यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। ये डोर है स्टेयर साइड से आने जाने के लिए। हम लोग कॉमन बाथरूम की बात करते हैं। यहाँ मैंने एक कॉमन बाथरूम दिया हुआ है जिसका डायमेंशन है 6 फीट x 4 फीट। इस साइड का डायमेंशन 6 फीट और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट। इस बाथरूम में यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ पे टॉयलेट सीट लगा हुआ है और यहाँ पे शावर पैनल लगा हुआ है और ये डोर है इस बाथरूम का। दोस्तों इस प्लान में 3 साइड में अदर प्लॉट बना हुआ है, इसके बावजूद भी वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस प्लान में 2 OTS दिया गया है। यहाँ पर मैंने एक OTS दिया हुआ है जिसका डायमेंशन है 1 फीट 11 इंच x 4 फीट। इस साइड का डायमेंशन 4 फीट और इस साइड का डायमेंशन 1 फीट 11 इंच। इस OTS में 3 साइड में विंडो लगे हुए हैं, एक विंडो इस साइड में लगा हुआ है इस बाथरूम साइड में और एक विंडो इस गेस्ट रूम साइड में लगा हुआ है और एक विंडो इस डाइनिंग स्पेस साइड में लगा हुआ है। दोस्तों इस बाथरूम के एयर को आप इस OTS के द्वारा ऊपर तक एग्जॉस्ट कर सकते हैं और इस गेस्ट रूम में लगे AC के पाइपलाइन को भी आप इस OTS के द्वारा ऊपर तक ले जा सकते हैं। हम लोग बेडरूम की बात करते हैं। इस डाइनिंग स्पेस से जब इस दरवाजे से इन करेंगे तो यहाँ पर बेडरूम आ जाएगा। इस बेडरूम का साइज है 10 फीट x 9 फीट 9 इंच। इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 9 इंच और इस साइड का डायमेंशन 10 फीट। इस बेडरूम में यहाँ पे बेड लगा हुआ है, यहाँ पे सोफा लगा हुआ है और यहाँ पे सेंटर टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे एक सिंगल चेयर दिया गया है। इस साइड में एक TV लगा हुआ है और इस बेडरूम में एक सेपरेट बाथरूम दिया गया है यहाँ पे। हम लोग अब इस सेपरेट बाथरूम की बात करते हैं।
बेडरूम से जब इस दरवाजे से इन करेंगे तो यहाँ एक सेपरेट बाथरूम आ जाएगा जिसका डायमेंशन है 6 फीट × 4 फीट। इस साइड का डायमेंशन 6 फीट और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट। इस बाथरूम में यहाँ पे टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ है, इस साइड में शावर पैनल दिया हुआ है और ये डोर है इस बाथरूम का। यहाँ भी मैंने एक OTS दिया हुआ है जिसका डायमेंशन है 2 फीट × 4 फीट। इस साइड का डायमेंशन 4 फीट और इस साइड का डायमेंशन 2 फीट। इस OTS में 3 विंडो लगे हुए हैं, एक विंडो इस साइड में लगा हुआ है बाथरूम साइड में, एक विंडो किचन साइड में लगा हुआ है और एक विंडो इस बेडरूम साइड में लगा हुआ है। दोस्तों, इस बाथरूम और इस किचन के एयर को आप इस OTS के द्वारा ऊपर तक एग्जॉस्ट कर सकते हैं और इस बेडरूम में लगे AC के पाइपलाइन को भी आप इस OTS के द्वारा ऊपर तक ले जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इस साइड में भी अदर प्लॉट बना हुआ है, यहाँ भी अदर प्लॉट बना हुआ है और इस साइड भी अदर प्लॉट बना हुआ है। सिर्फ फ्रंट साइड में ओपन है इसलिए फ्रंट साइड में डोर और विंडो लगेगा, बाकी 3 साइड में डोर और विंडो नहीं लगेगा। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। इस स्टेयर से यहाँ से अप होंगे, यहाँ फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा 8 फीट हाइट पे। इसके बाद और अप होकर के हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों, इस स्टेयर का ये जो लैंडिंग है, इस लैंडिंग के लिए हमने 3 फीट 6 इंच आगे की ओर निकाला हुआ है, जो स्टेयर के फर्स्ट लैंडिंग से टॉप लैंडिंग तक सेम रहेगा डायमेंशन इसका। इस स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद हम लोग जब इस डोर से इन करेंगे तो यहाँ पे गेस्ट रूम आ जाएगा नीचे की तरफ। इसके बाद इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे एक बालकोनी आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक बालकोनी दिया है जिसका डायमेंशन है 3 फीट 6 इंच × 8 फीट 2 इंच। इस साइड का डायमेंशन 8 फीट 2 इंच और इस साइड का डायमेंशन 3 फीट 6 इंच। दोस्तों, इस बालकोनी के लिए हमने फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक 3 फीट 6 इंच आगे की ओर निकाला हुआ है, इसका डायमेंशन सेम रहेगा। इस बालकोनी का डायमेंशन फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक सेम रहेगा। और दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर की तरह यहाँ भी सेम जगह में स्टेयर एरिया है सेपरेट। यहाँ गेस्ट रूम दिया गया है, यहाँ पे डाइनिंग स्पेस है, यहाँ पे ओपन किचन दिया गया है और यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है एक, यहाँ पे OTS दिया गया है और एक OTS इस साइड में भी दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया है और इस बेडरूम के साथ एक सेपरेट बाथरूम यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, कुल मिला के ये प्लान बहुत ही अच्छा है। इस स्टेयर एरिया में फर्स्ट लैंडिंग से टॉप लैंडिंग तक यहाँ पे एक विंडो दिया गया है रोशनी के लिए। ये था हमारा 15 फीट × 30 फीट का हाउस प्लान। अब चलिए दोस्तों, हम लोग इस प्लान का 3D व्यू देखते हैं। यह स्टेयर एरिया है। स्टेयर एरिया में आने के बाद फ्लोर में इन करने के लिए एक डोर यहाँ दिया गया है, एक डोर इस साइड में दिया गया है। ये डोर है दोस्तों स्टेयर साइड से आने के लिए, ये डोर है डाइनिंग स्पेस में जाने के लिए, ये गेस्ट रूम है, यहाँ पे बेड लगा हुआ है, यहाँ सेंटर टेबल लगा हुआ है, यहाँ पर 2 सिंगल चेयर दिया गया है, एक चेयर इस साइड में, एक चेयर इस साइड में, यहाँ पे TV लगा हुआ है, एक विंडो लगा हुआ है इस गेस्ट रूम में, ये डाइनिंग स्पेस है। इस डाइनिंग स्पेस में ये स्टेयर साइड से आने जाने के लिए डोर है, ये गेस्ट रूम साइड से आने जाने के लिए डोर है, ये विंडो दिया गया है OTS में वेंटिलेशन के लिए और ये बाथरूम का डोर है और यहाँ पर ये बेडरूम का डोर है। इस किचन में यहाँ पे किचन सिंक लगा हुआ है और यहाँ पे गैस स्टोव रखा हुआ है। हम लोग बेडरूम की बात करते हैं। ये बेडरूम है, इस बेडरूम में यहाँ पे बेड लगा हुआ है, यहाँ सेंटर टेबल लगा हुआ है, यहाँ एक सोफा लगा हुआ है, यहाँ पे एक सिंगल चेयर दिया गया है, इस साइड में एक TV लगा हुआ है, ये डोर है डाइनिंग साइड से आने जाने के लिए, ये विंडो है OTS साइड का और ये इस बेडरूम के साथ सेपरेट बाथरूम दिया गया है उसका डोर है। ये मैंने सेपरेट बाथरूम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ पर वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ शावर पैनल दिया हुआ है और ये विंडो है OTS साइड का और ये डोर है बाथरूम का। एक और बाथरूम जो है उसकी बात करते हैं। यहाँ मैंने कॉमन बाथरूम दिया है, इस बाथरूम में यहाँ टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ पर वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ शावर पैनल लगा हुआ है, यहाँ पर ये विंडो है OTS साइड का और यहाँ पे ये डोर दिया हुआ है इस बाथरूम का। दोस्तों, अब हम आपको इस प्लान का आउटलुक दिखाते हैं।
हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।